है गाइस, वेलकम बैक फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका फेसबुक अकाउंट लॉक हो चुका है तो मैं आपको बता दूं अपने अकाउंट को कैसे अनलॉक करना है। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप तो एक भी स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट अनलॉक नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको टोटली समझ में आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से नीचे रेड कलर दिखाएं उसको सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि फेसबुक से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास तुरंत ही पहुंच जाएगा और आप लोगों के पास जानकारी मिलेगी जिससे आप अपना फेसबुक अकाउंट को अनलॉक कर पाइएगा। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसे अपने अकाउंट को अनलॉक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर हम चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर, जो भी आपको बता देता हूं आप लोग पूरा फॉलो कीजिए, आपका अकाउंट 100% अनलॉक हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका अकाउंट यहां पर आपके अकाउंट में जीमेल नंबर दोनों ऐड है तो आपका अकाउंट 101% ओपन होगा। अगर आपका अकाउंट में मतलब ये आपका अकाउंट में अगर नंबर है ओनली तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, 70% आपकी चांस रहेगी। तो आप लोग पूरा 100% आप लोगों का अकाउंट ओपन होगा, आप लोग घबराए नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि अकाउंट लॉक कैसे होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप अपना नाम चेंज करने की कोशिश करेंगे एक बार, या पासवर्ड चेंज करेंगे, या अपना जीमेल नंबर रिमूव करेंगे, दोस्तों को अनफ्रेंड करेंगे, या किसी भी एपी के मूड एप्लीकेशन को आप कहीं भी शेयर करेंगे अपने चैट रूम में, ग्रुप में कोई इलीगल मैसेज करेंगे, तो आपका अकाउंट 24 घंटे के अंदर लॉक कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको वहाँ पर जैसे आप अकाउंट को ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पर चलेंगे अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और आपको कैसे अपने अकाउंट को ओपन करना है सब चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन में आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर आप लोगों को साइड में दिखेगा, आप लोग बिल्कुल वीडियो को पूरा बारीकी से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और अकाउंट को लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद कैसा इंटरफेस आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र हमने खोला ऑटोमेटिक, यहाँ पर हमने एक आईडी लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर एक भाई मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किए थे काफ़ी ज़्यादा, तो हमने इनका आईडी लिया हुआ है। आप भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। स्टोरी पर डे देखा कीजिए इंस्टाग्राम का, तभी आप अपने अकाउंट अनलॉक कर पाएगा। यहाँ पर इस टाइप का आपका ओपन होगा। आपको मैं बता दूँ आपको करना क्या है, आपको सिंपली गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपका रियल गेट स्टार्टेड नहीं आ रहा है, ये रियल गेट स्टार्टेड है, ये रियल गेट स्टार्टेड पहचाने का तरीका यह है कि यहाँ पर आपको डीपी दिखेगा। अगर आपका डीपी नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस पर हम एक वीडियो लेकर आ जाएंगे आपको रियल गेट स्टार्टेड कैसे मंगाना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म योर आइडेंटिटी ओपन होता आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप कई तरीके से अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला एक तरीका है कि कंफर्म योर आइडेंटिटी के तौर पे अपना यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हमारा आप लोग यहाँ पर गेट वाई कोड के ऑप्शन से, या आपका जीमेल पे कोड गिर जाए या नंबर पे कोड गिर जाए, आप लोग इस तरीके से अनलॉक कर सकेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊँगा कि इस तरीके से कैसे अनलॉक करना है। अगर आपके अकाउंट में नंबर और जीमेल ऐड है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका अकाउंट ओपन होगा। उसको देखिए आप कंफर्म योर आइडेंटिटी पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए बोलेगा कि अपलोड योर आईडी, यहाँ पर फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिसके कारण उनको रिप्लाई नहीं आता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप लोग कहीं से भी जीमेल को कॉपी करके लाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, आप लोगों को कॉपी करके नहीं लाना है और यहाँ पर पेस्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पर अपना जीमेल को एक एक टाइप करना है। जैसे यहाँ पर हम एक जीमेल डाल देते हैं, राहुल 55 @gmail.com, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म उसी जीमेल को यहाँ पर डालना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो आप यहाँ पर जीमेल डाल रहे हैं यहाँ पर से आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो पहले वाले में आपको लिखना होगा, ठीक है, अपने हाथ से लिखना है। आप कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर एक गवर्नमेंट आईडी देने पड़ेगा जिससे आपका अकाउंट ओपन होगा। अब बहुत सारे दिमाग में ये है कि मेरा नाम सही नहीं है, मेरा डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका अगर नाम सही नहीं है तो आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको नाम लॉक अकाउंट का नाम कैसे चेंज करना है, उसका भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा। या वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आपका नाम 2 घंटे में चेंज होगा। डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको अकाउंट एक आईडी प्रूफ सबमिट कर देना है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अपलोड योर फोटो पे जाना है, और आपको एक ऐसा
आधार कार्ड का पिक लेना है या जो भी आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वैसा पिक लेना है जिसका चारों कॉर्नर दिखाई दे, अच्छे से सारे चीज़ उसमें दिखाई दे, ओनली फ्रंट का एक ही पिक डालना है। बच्चों जैसा पिक लेकर यहाँ पर सेंड नहीं कर देना है, नहीं तो आपको रिप्लाई में रिजेक्ट ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना, अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर जाइएगा, गैलरी से सेलेक्ट कीजिए, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट मतलब सबमिट कर दीजिएगा। अब बहुत सारे लोगों का डाउट में इतना कर देने के बाद आपको मैं आपको बताता हूँ कि एक आपको रिप्लाई आएगा और उधर से एक रिप्लाई आएगा, वहाँ पर आपको एक्सेस लिंक मिल जाता है तो आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। अगर वहाँ पर आपका लिंक वर्क नहीं करता है, रिप्लाई आता है और वहाँ पर आईडी आपका रिजेक्ट कर देता है, कर दिया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ आपका अकाउंट कैसे ओपन होगा। अब आपका अकाउंट वहाँ पर अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपका अकाउंट वहाँ पर अब कोड से ओपन होगा, जो यहाँ पर आपका कंफर्म योर आइडेंटिटी आ रहा है वहाँ का ऑप्शन आपको चेंज करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको कोड वाला ऑप्शन को लाना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कोड वाला ऑप्शन कैसे आएगा, इस पर हमने बहुत सारे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कैसे ऑप्शन चेंज करना है, और नहीं समझ में आ रहा है उस वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको कैसे आपको वहाँ पर ऑप्शन चेंज कर सकते हैं और आप लोगों को अपना अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं, नाम कैसे चेंज करना है इस पर भी वीडियो है, डेट ऑफ बर्थ तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं, और बाकी सारे बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। बस आप लोगों को यहाँ पर कमेंट में अपना प्रॉब्लम बताना है और इस तरह कैसे अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए जो भी आपका प्रॉब्लम है उस पर हम वीडियो लेकर 100% आएंगे और आपका प्रॉब्लम हर एक सोल्यूशन दूंगा और आपका अकाउंट अनलॉक करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर मैं बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।